ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम सभी भीम क्यों जला देना चाहते थे युधिष्ठिर के दोनों हाथ। जी हाँ, युधिष्ठिर उनके बड़े भाई थे और उनका वो दोनों हाथ जला देना चाहते थे। भीम और युधिष्ठिर, महाभारत के प्रमुख पात्र भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का बहुत आदर करते थे। युधिष्ठिर जो आज्ञा देते उनके भाई उसे किसी भी तरह से पूरा करते थे। महाभारत में सभा पर्व में एक प्रसंग ऐसा भी आता है जब भीम युधिष्ठिर पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सहदेव से अग्नि लाने को कहते हैं जिससे वे युधिष्ठिर के दोनों हाथ जला सकें। आइए जानते हैं कि ये प्रसंग क्या है पूरा। जब युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को हार जाते हैं तो द्रौपदी को भरी सभा में बुलाकर उसका अपमान किया जाता है। यह देख करके भीम को बहुत गुस्सा आता है। भीम युधिष्ठिर से कहते हैं कि आपने जुए में जो धन हारा है उससे मुझे क्रोध नहीं है, लेकिन द्रौपदी को जो आपने दाव पर लगाया है यह बहुत ही गलत है। भीम कहते हैं कि द्रौपदी अपमान करने के योग्य नहीं है, लेकिन आपके कारण ये दुष्ट कौरव उसे कष्ट दे रहे हैं, यहीं और भरी सभा में अपमानित कर रहे हैं। भीम युधिष्ठिर से कहते हैं कि द्रौपदी की इस दशा का कारण सिर्फ और सिर्फ आप हैं, अभी इसीलिए मैं आपके दोनों हाथ जला डालूंगा। भीम सहदेव से आग लाने को कहते हैं। भीम की यह बात सुनकर अर्जुन उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि युधिष्ठिर ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही जुआ खेला है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर भीम का क्रोध शांत हो गया और वे बोले कि ये बात मैं भी जानता हूँ, नहीं तो मैं बलपूर्वक इनके दोनों हाथ अग्नि में जला डालता, लेकिन मेरी जो संवेदना है वो ये है कि इन्होंने गलत किया है। तो ये था पूरा वाक्या। इस वजह से भीम चाहते थे कि युधिष्ठिर के दोनों हाथ जला दें। ये आज का प्रसंग रहा। ऐसे ही नई वीडियो के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहें। बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो जब भी हम लेकर के आए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया करें। आपके लिए हम नई वीडियो लेकर के आते रहते हैं, आते रहेंगे। विदा लेते हैं इस एपिसोड से। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।